हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस क्लासेज में। आज हम आपके 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाने वाले हैं कंप्यूटर से। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे क्वेश्चन आंसर पर बात करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि कंप्यूटर के जनक कौन है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा चार्ल्स बेबेज हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा संगणक नाम है। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि WWW का सही रूप क्या है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला क्वेश्चन है कि WWW के आविष्कारक कौन है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा टीम बर्नर्स ली हैं। इसके आगे आपका 6 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है। तो एम डूरिंग है। इसके आगे आपका देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो सीपीयू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुपम क्या है। तो अनुपम आपका एक सुपर कंप्यूटर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अनुपम सुपर कंप्यूटर कहाँ विकसित किया गया था। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में विकसित किया गया था। इसके आगे आपका देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई आपका बिट है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति को क्या कहा जाता है। तो रोम कहा जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रोम का पूर्ण रूप क्या है। तो रोम का पूर्ण रूप आपका होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रोटॉन भाषा विकसित की गई थी। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है। तो सबसे बड़ी आपका सॉफ्टवेयर कंपनी TCS कंपनी है। अगला क्वेश्चन है कि IC चिप का निर्माण किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर के माध्यम से किया जाता है। इसके आगे आपका देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि कंप्यूटर के लिए IC चिप आम तौर पर बनाए जाते हैं। तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। तो देखिए, जो आपका हार्डवेयर होता है इसे हम स्पर्श कर सकते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता है। तो सॉफ्टवेयर को स्पर्श नहीं किया जा सकता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। तो विंडो आपका सॉफ्टवेयर का प्रकार है। इसके आगे आपका देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आउटपुट डिवाइस है। इसके आगे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। आगे आपका 22 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सबसे जो महंगा और सबसे आपका जो कीमती होता है यह आपका सुपर कंप्यूटर होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो ALU का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 1024 बाइट बराबर है। तो 1024 बाइट आपके 1 KB के बराबर होता है और KB को हम किलो बाइट कहते हैं। इसके आगे देखिए आपका कुछ पॉइंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 8 बिट बराबर क्या होता है, तो 8 बिट बराबर आपका 1 बाइट होता है। इसके आगे आपका दे रहा है कि 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है और KB को हम किलो बाइट कहते हैं। इसके आगे आपका अगला है कि 1024 KB बराबर क्या होता है, तो 1 MB होता है और MB को हम मेगाबाइट कहते हैं। इसके आगे आपका दे रहा है कि 1000 MB बराबर क्या होता है, तो 1 GB होता है और GB को हम गीगाबाइट कहते हैं। इसके आगे आपका अगला है कि 1024 GB बराबर क्या होता है, तो 1 TB होता है और 1 TB को हम टेराबाइट कहते हैं। इसके आगे आपका अगला है कि 1024 TB बराबर क्या होता है, तो 1 PB होता है और PB को हम पेटाबाइट कहते हैं। जो सबसे बड़ा होता है वो आपका PB होता है। उसके बाद से फिर इसी क्रम में स्टार्ट होते हैं। तो आप इन सभी को अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो मदर बोर्ड कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि रैम का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि LCD का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। अगला क्वेश्चन है कि LED का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड होता है। इसके आगे आपका देखिए 30 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सिद्धार्थ है। इसके आगे आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है, तो सबसे पहला आपका जो कंप्यूटर है इसे हम ENIAC कहते हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर आपका 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, एक आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है, एक आपका मिनी कंप्यूटर होता है, और एक आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो आपका सुपर कंप्यूटर होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी है, तो कंप्यूटर की आपका 5 पीढ़ी होता है। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपका परम कंप्यूटर है, जिसे 1991 में विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक जनक कौन है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पांडुरंग भाटकर हैं। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 37 नंबर क्वेश्चन है कि आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन है, तो यह आपका माउस है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 38 नंबर क्वेश्चन है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, तो पहले आपका वाल्व होता था। इसके आगे आपका आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा द्विव आधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने लगभग 40 कंप्यूटर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।